भजन लेखक बलबीर निर्दोष की चौथी पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में विश्व मुखी श्री त्रिपुर मालनी की चौकी अर्जुन नगर लम्मा पिंड जालंधर में आयोजित की गई। चौकी में स्वर्गीय बलबीर निर्दोष के परम शिष्य गायक शिव भारद्वाज एवं उनके साथियों ने बलबीर निर्दोष द्वारा लिखी गई मां त्रिपुर मालनी की भेंटे गाकर हाजिरी भरी। इस मौके पर दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज, पूर्व सीपीएस केडी भंडारी, श्री देवी तला मंदिर प्रबंधक कमेटी के महासचिव राजेश विज ने विशेष तौर पर शिरकत कर आशीर्वाद प्राप्त किया। विशाल संख्या में भक्तों ने मंत्रमुग्ध होकर मां त्रिपुर मालनी जी की भेंटों का श्रवण किया। चौकी के उपरांत मां त्रिपुर मालनी जी के भंडारे का आयोजन भी किया गया। इस अवसर पर कोषाध्यक्ष पविंदर बहल, फाउंडर मेंबर सुदर्शन ज्योति, पूर्व पार्षद रीटा शर्मा, सीनियर कांग्रेसी नेता सुभाष शर्मा, श्री देवी तालाब मंदिर के प्रमुख सेवादार रमन शर्मा ने भी विशेष रूप से अपनी हाजिरी लगाई। इस मौके पर यादव खोसला, राजकुमार सहगल, जगमोहन सिंह खोसला, दीपक झांझी, नीरज मित्तल, सुनील कुमार, कुलदीप भाटिया, इंद्रजीत सिंह राही, नीटू चोपड़ा, दीपक कपूर, हर्ष महाजन, संजू शर्मा, धर्मेंद्र प्रभाकर, दीपक झांझी, अरुण वर्मा उपस्थित रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत के साथ कुश चावला की रिपोर्ट। रविदास महाराज जी के 647वें प्रकाश पर्व श्री गुरु रविदास समाज सुधार सभा की ओर से प्रधान हंसराज राणा की अध्यक्षता में श्री गुरु रविदास मंदिर संतोखपुरा में बड़ी ही श्रद्धा पूर्वक मनाया गया। इससे पहले करवाए गए विशेष समागम में आए हुए पंजाब के मशहूर सूफी कलाकार काशीनाथ एंड पार्टी ने देर रात तक श्री गुरु रविदास महाराज जी की वाणी और भजनों का गुणगान कर उपस्थित संगत को झूमने पर विवश किया। इस मौके पर दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज, पूर्व सीपीएस केडी भंडारी, पूर्व पार्षद दीपक शारदा, पूर्व पार्षद पति ओम प्रकाश, श्री देवी तालाब मंदिर के प्रमुख सेवादार रमन शर्मा ने विशेष रूप से शामिल होकर आशीर्वाद प्राप्त करे। इस धार्मिक कार्यों के लिए सुधार सभा के प्रधान एवं पूर्व पार्षद हंसराज राणा को बधाई दी। शीतल विज ने सतगुरु द्वारा दिखाए गए सच्चाई व नेकी के रास्ते पर चलने की लोगों को प्रेरणा दी। समागम में पूर्व पार्षद हंसराज राणा ने आए हुए गणमान्यों व गायक कलाकारों को गुरु घर का सिरोपा देकर सम्मानित किया।
इस अवसर पर मनोज कुमार, सतेंद्र सिंह फौजी, स्वरूप लाल, देसराज राजा, राजकुमार गुरमुख सिंह, सुच्चा बदन, कश्मीरी लाल, धर्मपाल मिक्का, योगेश कुमार, भपिंदर सिंह गोल्डी, बिल्लू बलदेवराज, टिंकू बाबा, सुधीर कुमार सहित बड़ी संख्या में संगत मौजूद रही। अंत में गुरु का लंगर संगत के बीच वितरित किया गया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत के साथ कुश चावला की रिपोर्ट। समाज मंदिर शहीद भगत सिंह नगर में साप्ताहिक सत्संग एवं यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें वेद कुमार भाटिया और श्रीमती जगदीश भाटिया ने प्रतीक भाटिया के जन्म दिवस पर मुख्य यजमान के तौर पर उपस्थित होकर यज्ञ वेदी पर विशेष आहुतियां प्रदान की। इस अवसर पर यज्ञ ब्रह्माचार्य पंडित सुशील आर्य ने पवित्र पावन वेद मंत्र द्वारा यज्ञ को संपन्न करवाया। आर्य समाज के प्रसिद्ध भजन गायक रवि पोडवाल और गायिका सोनू भारती ने ईश्वर भक्ति के भजन सुनाकर मंत्रमुग्ध कर दिया। आर्य समाज के महामंत्री हर्ष लखनपाल ने मंच संचालन किया। इस अवसर पर प्रवक्ता अश्विनी डोगरा ने आर्य समाज से जुड़े इतिहास से सबको अवगत करवाया। आर्य समाज के प्रधान रंजीत आर्य ने आए हुए सभी याज्ञिक परिवारों का धन्यवाद व्यक्त किया। इस अवसर पर ओम प्रकाश मेहता, भूपेंद्र उपाध्याय, विजय कुमार चावला, चौधरी हरिचंद, सुनीत भाटिया, अनु आर्य, केदारनाथ शर्मा, सुनीता रानी, पूनम मेहता, हजारीलाल शर्मा, नलनी उपाध्याय, जसविंदर कालिया, बैजनाथ, राजीव शर्मा, वेद प्रकाश भाटिया, पवन महाजन, बबलू यादव सहित आर्य समाज के समूह सदस्यगण मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। Yeah.
धर्म होता है वही विजय होती है, और जहां अधर्म होता है पाप होता है अंततः वहां पर पराजय ही होती है। जब कौरवों और पांडवों में युद्ध अनिवार्य हो गया कि अब युद्ध होना ही है, कौरव पाप के पक्ष में थे, अन्याय के पक्ष में थे, अधर्म के पक्ष में थे, उन्होंने पांडवों का राज्य हस्तगत कर लिया था बड़ी योजना के अनुसार, और पांडव धर्म पर चलते थे और वो धर्म के द्वारा ही राज्य को प्राप्त कर लेना चाहते थे। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, जो लोभी होते हैं, स्वार्थी होते हैं, पापी होते हैं, उन्हें युद्ध प्रिय होता है, अन्याय की भावना उनके भीतर होती है। दुर्योधन ने कह दिया कि मैं सुई के नोक के बराबर भी जो है वो भूमि पांडवों को नहीं दे सकता। भगवान कृष्ण नहीं चाहते थे युद्ध हो, पांडव भी नहीं चाहते थे युद्ध हो, जितने भी उत्तम पुरुष थे उस समय के वो नहीं चाहते थे युद्ध हो। मैं फकीर मिजाज हूँ, खुद को औरों से जुदा रखता हूँ। मैं फकीर मिजाज हूँ, खुद को औरों से मैं जुदा रखता हूँ। लोग जाते हैं, मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारा, मैं दिल में खुदा रखता हूँ। श्रीमद् भागवत महाराज विशेष साप्ताहिक यज्ञ का कार्यक्रम समापन की ओर है। बड़ी श्रद्धा के साथ हम सब ने मिलकर के आज छोटे भाई प्रदीप जी का जन्म दिवस हमारे पूज्य भाटिया जी ने पूरे परिवार ने मिलकर के अपने संस्कृत को अपनाते हुए विदेश में बेटा बैठा हुआ है, इतने उच्च पद पर है, और यहाँ उनके माता पिता, उनके भाई भाभी, सारा परिवार बैठ करके हम सभी ने मिलकर के, क्योंकि आर्य परिवार है तो ये इनकी यही पहचान है। तभी आचार्य जी आपसे बता रहे थे कि थोड़े क्यों, यहाँ बहुत है। श्री गुरु रविदास जी महाराज का 647वां प्रकाश उत्सव श्री गुरु रविदास मंदिर कटरा मोहल्ला बस्ती दानिशमंदा जालंधर में मंदिर प्रबंधक कमेटी के प्रधान मदन लाल खिंदर की अध्यक्षता में बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज, सांसद सुशील रिंकू, विधायक शीतल अंगुराल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत कर माथा टेक कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान महिला संकीर्तन मंडली ने गुरु महिमा का गुणगान कर भक्तों को गुरु चरणों से जोड़ा। इस अवसर पर बड़ी संख्या में भक्तों ने शामिल होकर अपनी हाजिरी लगाई, तो वहीं रतन ब्रदर्स के मालिक एवं मंदिर प्रबंधक कमेटी के प्रधान मदनलाल खिंदर के सुपुत्र विशाल खिंदर और अनुराग खिंदर सहित कमेटी के सभी सदस्यों ने आए हुए गणमान्यों को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया और गुरु महाराज के प्रकाश पर्व की समूह संगत को बधाई दी। अंत में विशाल भंडारा भक्तों में वितरित किया गया। इस मौके पर सचिव सतपाल पाला, ओम प्रकाश लोच, वाइस चेयरमैन स्वर्ण यादव, तिलक खिंदर, राजीव खिंदर, महेश अंगुराल, राजन अंगुराल, अमरनाथ, कुलदीप, लक्की घई, कैशियर बलबीर लोच, विजय पाठी, सौरभ वसन, बंटू सारंगल, चमन पाठी, गुरदयाल पाठी, अजय डालिया, चरणदास कलसी, पवन कुमार, रूबी जंग बहादुर, जैकी कमल डालिया, लक्की स्त्री सत्संग सभा की प्रधान दयावंती, सचिव कृष्णा देवी, संतोष, रमा, जसबीर, उषा लोच, शोभा मीनिया, अरुणा लोच, राजरानी, विमला, विष्णु, कुसुम, रानी लोच, कांता, बॉबी सहित असंख्य भक्तजन भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बाबा और नवीन की रिपोर्ट।
ठाकरे जी सारी संगत को जय गुरुदेव जय गुरु विकास। आज इस स्थान के उ समाज के चरण चमन करता मंच के विराजमान मेरे पिता के हमेशा ही मेरे परिवार के लोग सब साथी जैनिक साधक शीतलवीर जी उन्होंने नाल इस हल्के तो लोग सभा मैंबर श्री कुमार हिंदू जी तिलक सिंगल जी इस गुरु घर वाइस प्रेसिडेंट राकेश लोहर जी इस गुरु घर के जनरल सकत्तर सतपाल काला जी वाइस चेयरमैन साहब कैशर साहब मैं सारे गुरुआव की तीज से माफी मंगा सामने बैठी मेरिया मावं मेरिया भैन खास करके साड़ी इस्त्री सभा क्योंकि हमेशा ही मैं हर बार कहना कि जो इस्त्री सभा का इस मंदिर के योगदान है जो इन्हों की कुर्बानी है तो उसको पहन दे इस गुरु घर की सेवा करनी और दोबारा प्रेयर किया इकट्ठा करके घर कीर्तन करके लेके इस गुरु घर के महान वर्णन से साड़ी इस्त्री सभा का बहुत बड़ा योगदान। आज जिथे असी श्री गुरु रविदास महाराज जी के 647वें जन्मदिन के उत्ते बधाई देने लिए आए हाँ उठे ही मैं पूरे इलाका वासियों वालों मैं मंदिर प्रबंधक कमेटी वालों साढ़े हुए बहुत सत्कार जो साढ़े हल्के तो साढ़े ही समाज के रहनमई कर रहे लोग समाज सुखबीर कुमार रिंकू जी उन्होंने मैं एक इस मंदिर प्रबंधक कमेटी वालों अभी एक अपील भी करना चाहना जिसे मैं भी इस हल्के का बेटा पुत्र भतीजा बन के सेवा कर रहे हैं उतने ही मेरे तो भी वही जिम्मेवारी है दोनों को इस मंदिर के जिते बाबू मदन लाल दिल्ले जी के नेतृत्व के जो गुरु घर के प्रधान है बहुत डिवेलपमेंट हुई है उन्होंने सहयोग मेरे पिता जी चौधरी पंच साहब जी ने छोटे भरा की तरह उन्होंने साथ दिता पर जितने गुरु घर बहुत सुंदर बने भव्य बने साढ़े दुख सुख के साथ परिवार के काम आता है इतने एक दिक्कत आती है बहुत बड़ी जी पिछले साल भी कमेटी ने मैनू जरूर किया पर मैं प्रयास किया कुछ तो कुछ मैं उन्होंने डॉक्यूमेंट करवा सकिया ये गुरु घर की आपकी सारे एक डिमांड है कि असं दोनों ही रल के ये काम कर दिए साढ़े गुरु घर के लिए बहुत बड़ी जी दिक्कत है दूर हो जाएगी ये गुरु घर का जो हाल है ये बहुत वधिया बन गया बाहर पार्किंग की जी जगह है वह बहुत थोड़ी है जिद गुरु घर की कमेटी भी सतपाल माला जी अंकेत जी इन्होंने सारे साथी आए थे 66 मरले के करीब है एमपी साहब जी जगह उधर होती है पर मैं जी उस कंपनी का मालक है फॉरन के प्रोटेक्ट किया पर मैं उन्होंने कहा कि जो तुम सू सही रेट पर जगह दे रहे असी हो अभी होर जगह लैन को तैयार है असी सारी संगत अगर आगे अपील कर लाँगे कि और सारे बहुत
बाबा दीप सिंह जी की जयंती के अवसर पर धन धन बाबा दीप सिंह जी वेलफेयर सोसाइटी अमृतसर की तरफ से संगत के सहयोग से 11 जरूरतमंद परिवारों की लड़कियों के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया।
इस अवसर पर सोसाइटी के बरजिंदर सिंह टिंकू ने कहा कि बाबा दीप सिंह जी वेलफेयर सोसाइटी पिछले 13 वर्षों से कल्याण कार्य कर रही है। इसी कड़ी के तहत 11 जरूरतमंद परिवारों की कन्याओं के सामूहिक विवाह करवाए गए, जिसमें जरूरत संबंधी घरेलू सामान भी दिया गया है। इस मौके पर उन्होंने लोगों से ज्यादा सहयोग करने की अपील की, ताकि जरूरतमंद परिवारों की हर संभव मदद की जा सके। अमृतसर से हलचल के लिए कैमरामैन सुनील खोसला की रिपोर्ट। आज जो 12 लोड़वंद लड़कियों ने नाम निगार भाई सेवा सिंह हाल विखे करवाए जा रहे हैं, धन धन बाबा दीप सिंह वेलफेयर सोसायटी वालों हर साल की तरह इस 13वां समागम का अज चल रहा है। देखो, लोगों को अपील यही करना चाहते हैं कि जेड़े भी अपने धियां अपने सिर से बोझ समझते हैं, भ्रूण हत्या कराते हैं या वक् वक् तरह कुड़ियों नहीं चंगा समझते, वो ये चीज़ा तो दूर रह के अपन कुड़ियों चाहे वह स्टडी वाला हो चाहे वह विह करवाने वाले हो, धन धन बाबा दीप सिंह वेलफेयर सोसायटी संपर्क कर सकते हैं। धन धन बाबा दीप सिंह धियां वाले की पहल के तहत पहला भाव फड़े बाबा दीप सिंह वेलफेयर सोसायटी वालों, जिमें कि बच्चों की पढ़ाई का खर्चा, लोड़वंदा इलाज का खर्चा, खूनदान कैंप, कितने लैंटर पैना हो, घर का घेरा मकान बनना हो, मतलब कि बंदा लोड़वंद जो धन धन बाबा दीप सिंह वेलफेयर सोसायटी हर समय गरीबा की लोड़वंदा की मदद करने में सहायक होंगी। कुराली स्थित स्कोनिस वर्ल्ड स्कूल में वार्षिक प्रदर्शनी का आयोजन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ किया गया, जिसका शुभारंभ स्कूल निदेशक मोनिका गुप्ता और संदीप गुप्ता, प्रिंसिपल मनविंदर कोहली और स्कूल के संरक्षक एमएल शर्मा ने संयुक्त रूप से रिबन काटने की रस्म के साथ किया। इस लगाई गई प्रदर्शनी ने छात्रों को वैज्ञानिक स्वभाव विकसित करने और विज्ञान, गणित, भाषाओं और सामाजिक विज्ञान पर आधारित परियोजनाओं के बहुमुखी प्रदर्शन के माध्यम से अपने कौशल का प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित किया। छात्रों और उनके शिक्षकों ने इसे एक मिशन बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने चुने गए विषयों के असंख्य पहलुओं का पता लगाने के लिए गहन शोध किया और जो कुछ हासिल किया उसे साझा किया। इस दौरान बड़ी संख्या में माता पिता अपने बच्चों का उत्साह बढ़ाने के लिए आए और स्टॉल्स का आनंद लिया। कुराली से हलचल के लिए अश्विनी गौड़ की रिपोर्ट। टुडे एट स्कॉनिस वर्ल्ड स्कूल साइंस एग्जीबिशन, साइंस, मैथ्स, आर्ट एंड क्राफ्ट, लैंग्वेजेस, स्पेक्ट्रम, लाइक वी हैव ऑलरेडी मेंशनड ओवर हियर, एक्सप्लोर द स्पेक्ट्रम। सो द एग्जीबिशन कंटेन्ड यू नो ऑल द मॉडल्स मेड बाय द किड्स, दे हैड वर्कड वेरी हार्ड and each child had knowledge of whatever they have prepared. Agar aap jayenge yahan pe charo bachchon se puchenge, they have complete knowledge of all the things that they have prepared and they have worked really hard for that. Today at Scornis World School we had the parent teacher meeting and the exhibition called Spectrum, Expectrum, the insight of the spectrum, and children have worked very hard and all the projects were exhibited by the children. It was prepared by them and so much of innovation was seen, so much of creativity, and the way they spoke, it really showed that they were aware of the project, and the questions asked by the parents and by all of us, they were able to answer. It was very interactive, and I think the children have done amazingly well, and we stand tall when you know we see the children speak so well. Instead of all of these stalls, the students have prepared well, they are able to answer each and every query, and their models, charts are as per the education, new education policy, and I hope that they will prosper and improve their performance well. माँ बंगलामुखी धाम गुलमोहर सिटी नजदीक लम्मा पिंड चौक जालंधर में माँ बंगलामुखी जी के निमित्त श्रृंखलाबद्ध संपूर्ण फलदायी मासिक हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम ब्राह्मणों ने पंचोपचार, षोडशोपचार, नवग्रह, कुंभ पूजन इत्यादि संपन्न करवा मुख्य यजमानों से विधि विधान से पूजन करवाया। माँ मंगलामुखी धाम के मुख्य सेवादार नवजीत भारद्वाज ने हवन यज्ञ उपरांत उपस्थित संगत से अपनी बात कहते हुए कहा कि ईश्वर भक्ति सरल व साधारण नहीं, बहुत ही त्यागमय साधना है। भगवान की भक्ति वही करता है जो भगवान से प्रेम करते हैं। आगे उन्होंने बताया कि भक्ति राज मार्ग है, जिस पर चलकर भागवत दर्शन का अलौकिक सुख मिलता है। इस अवसर पर श्रीकंठ जज, राकेश प्रभाकर, अमरजीत सिंह, मनमोहन भट्टी, शिव कुमार धीर, अमरेंद्र कुमार शर्मा, प्रदीप घीर, अशोक कुमार, मुनीश शर्मा, जोगिंदर सिंह, अवतार सैनी, केतन शर्मा, अभिलक्ष्य चुग, सौरभ अरोड़ा, पूनम प्रभाकर, सरोज बाला,
बलजिंदर सिंह, उदय, नवदीप, अजीत कुमार, संजीव शर्मा, राजेश महाजन, बाबा खन्ना, दिशांत शर्मा, प्रिंस हैरी शर्मा, गुरप्रीत सिंह, डॉक्टर मुकेश गुप्ता, एडवोकेट राजकुमार, राकेश राणा, प्रताप सिंह भी मौजूद रहे। हवन यज्ञ उपरांत विशाल लंगर भंडारे का आयोजन भी किया गया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। जय मां बगलामुखी जी, मां बगलामुखी ताम, मोर सिटी जालंधर। आज मां भगवती दे आशीर्वाद दे नाल जिहड़ा अलौकिक मासिक हवन यज्ञ का आयोजन किया गया, मां भगवती दे बहुत ज़्यादा भगतों का जिहड़ा तांता सी और जिहड़ा मां दे निमित प्रेम सी उह सवेर तो ही नज़र आ रहा सी। बड़ी बड़ी दूरों संगत आई है, कोई नवे शहर तो है, कोई अमृतसर तो है, दिल्लियों संगत आई है और लुधियाणों और पंजाब के अलग अलग ज़िले तो और पंजाब तो बाहरों भी बहुत संगत महामाई के दरबार से अज के अलौकिक हवन यज्ञ के लिए आई है। महामाई की कृपा के नाल लगातार जिहड़ी संगत का हजूम है वह बढ़ता जा रहा है और साडे सेवादारों द्वारा भी जिहड़ा अनथक प्रयास है कि जिहड़ा भी कोई भगत आवे वह लंगर भंडारे वालों या हवन यज्ञ के आहुति वालों कोई मुड़ के ना जाए। अपने वालों असी प्रयासरत हैं और ये दसना चाहते हैं कि पूरे पंजाब का सब तो पहला माँ बगलामुखी का यह मंदिर है जिहड़ा इंडिविजुअल माँ के दरबार के नाल बनया होया और इत्थे बड़ी बड़ी दूरों संगत आती है और हवन यज्ञ के आके आहुतियाँ डालती है और अपन मन दिया मुरादा पूरियां करती है। साडे वालों समूह सेवादार वालों सारे माँ भगतों जय माता दी और ये भी दसना चाहते हैं कि हर वीरवार को सवेरे 6:30 to 7:30 महामाई के निमित्त हवन यज्ञ का आयोजन किया जाता है। कोई भी माँ भगत दे आ के महामाई के निमित्त हवन यज्ञ शामिल हो सकता है और आहुतियाँ हवन यज्ञ डाल सकता है। साढ़े वालों खुद आ सकता है जिहड़ा भी महानुभाव आना चाहे वह आवे और महामाई के दरबार से आके नतमस्तक। जय माँ बगलामुखी। श्री सनातन धर्म रामा मंदिर जालंधर छावनी की ओर से 24 फरवरी से 3 मार्च तक मंदिर प्रांगण में श्री मद्भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसके प्रथम दिन बड़ी संख्या में भक्तों ने पहुंचकर कथा का श्रवण कर अपना जीवन धन्य किया। इस दौरान कथा वाचकों ने प्रभु लीलाओं का सुंदर व्याख्यान कर भक्तों को भाव विभोर किया और ईश्वर भक्ति के मार्ग पर प्रशस्त रहने के लिए अग्रसर किया। इस अवसर पर चेयरमैन हरविंदर सिंह पप्पू, प्रधान कमल चौहान, पंडित राजेंद्र राजू, प्रभदयाल, लक्ष्य शर्मा, रविकांत शर्मा, मीनाक्षी शर्मा, अनु शर्मा, गीतांजलि, आशा, सीमा, सरोज रानी सहित असंख्य भक्तजन भी मौजूद रहे। जालंधर कैंट से हलचल के लिए कैमरामैन जतिन राजपूत की रिपोर्ट। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं आज के बाद भागवत में प्रवेश करता हूँ, जो भागवत के दर्शन करेगा उसे मेरे दर्शनों का लाभ प्राप्त होगा। तो श्रीमद भागवत साक्षात कृष्ण स्वरूपेण, ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप है। नारद जी के सामने ही आंखों के सामने देखते देखते करोड़ों सूर्यों के समान चमकता हुआ तेज पुंज भगवान श्री कृष्ण के शरीर से निकल करके भागवत में समाहित हो गया। तब से ये भागवत ही भगवान श्री कृष्ण का वाणमय स्वरूप है हमारे पृथ्वी पर। तो बोले भगवान श्री कृष्ण तो चले गए और मैं भगवान श्री कृष्ण की गोपियों को लेकर के आ रहा था तो गोपियों को भीलों ने लूट लिया। देखिए कितनी बड़ी बात है कि जिस अर्जुन के आगे पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कृतवर्मा, कर्ण, दुर्योधन, दुशासन जैसे महारथी नहीं टिके, उन सबको अकेले अर्जुन ने परास्त किया, मृत्यु के घाट उतारा। भगवत की कथा का आनंद लैन और मैं अपने वालों
और अपने परिवार वालों और सारे गेट वालों रामा मंदिर वालों सारे इतने आने बधाई देना और मैं सारे बहुत खुशी है कि जो साढ़े बिच वैश परिवार है उन्हों का भी बहुत धन्यवाद है और सारे कैंट निवासियों का और साढ़े जिहड़े नाल साढ़े मिले हुए सीमा जी और साढ़े फिर वैश परिवार प्रधान कमल चौहान और दो मिनट लई जो कि साढ़े सोनू भरा छोटे वो विचार देंगे श्री सनातन धर्म मंदिर द्वारा श्री भगवत सत्ता का शुभारंभ किया गया है। श्री कृष्ण संदेश जी महाराज जी परम पूजनीय हमारे प्रवक्ता जिन्होंने व्यास गति से श्री हरि के गुणों का गुणगान किया और समस्त पंडाल में उपस्थित संगत को श्री हरि नाम से परिपूर्ण किया। ये कथा भगवान श्री कृष्ण के भक्ति से उत्प्रोत करती है। हमारे उपस्थित परम पूजनीय श्री कृष्ण संदेश जी महाराज जी का बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, अभिवादन करते हैं हमारे झुंझ छाव में पधारने के लिए। प्रधान हरिंदर सिंह पप्पू जी हमारे चेयरमैन सनातन धर्म के, हमारे प्रधान जी कैशर साहब और समस्त जितना भी यहाँ भक्त मंडल एकत्रित था सभी इनका बहुत बहुत अभिवादन धन्यवाद करता है। और सारी छावनी वासियों से निवेदन है कि भगवत सप्ताह में उपस्थित होकर अपने आप को हरि नाम से परिपूर्ण करें, अपने कलयुग के कालों का नाश करते हैं हरि नाम में स्वयं को संलिप्त करें। मैं एक बार फिर से सबसे निवेदन करता हूँ कि 3 मार्च को हमारे माननीय शीतल जी द्वारा श्री सनातन धर्म राम मंदिर में सालासर महाराज का मूर्ति स्थापन की जानी है। आप सभी से निवेदन है कि सुबह आकर मूर्ति स्थापना में भाग लें। श्री सनातन धर्म रामा मंदिर में भव्य व स्वागत किया जाता है भागवत का, जो कि वृंदावन से हमारे महाराज जी आए हैं। बहुत मिठास से आज प्रथम दिन में कथा सुनाई है और लोगों ने काफी सुना है, सुनी है कथा। भागवत की सुनने से ही दो कान कान में पड़ जाते हैं, आपको जिंदगी में निहाल हो जाती है। अभी 3 तारीख तक भागवत कथा चलेगी और डेली ऐसे ही प्रोग्राम होता रहेगा और 3 तारीख को मूर्ति स्थापना भी हो रही है। हमारे शीतल बेटी प्रधान देवी तलाब मंदिर के उनके कर्म द्वारा होगी। जय श्री राम। सभी को राधे राधे, जय श्री राधे। आप सभी ने इतना भव्य आयोजन प्रारंभ कराया और सभी ने बढ़ करके भाग लिया है। आज प्रथम दिवस में आनंद रहा, आज भागवत कथा के महत्व के विषय में बताया गया। कल आपको पृथ्वी की सृष्टि के अवतार की कथा, कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, वहां से कल से ये कथा प्रारंभ होगी। बड़ा ही आनंद का विषय रहने वाला है। सभी के लिए बार बार धन्यवाद, बार बार साधुवाद। आप सभी अपने कीमती समय में से थोड़ा समय निकाल करके भगवान की चर्चा के लिए, हरि कथा के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए। कहते हैं, संत मिलन अर हरि कथा, जग में दुर्लभ दोय, सुत दारा अर लक्ष्मी, पापी केहू होय। संतों का मिलना और भगवान की कथा, ये बड़े दुर्लभ क्षण होते हैं। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। जंडियाला गुरु पुलिस ने एक महिला सहित 7 लोगों को किया गिरफ्तार। 30 बोर पिस्तौल, 1 खिलौना पिस्तौल और 2 मोटरसाइकिल किए बरामद। अमृतसर में बीएसएफ की तरफ से सीमा प्रहरी मैराथन 2024 का हुआ आगाज। देश के अलग अलग राज्यों से युवक युवतियां बच्चे बुजुर्ग मैराथन में ले रहे भाग। सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर में 2 दिवसीय दिव्य बीज मंत्र वार्षिकोत्सव एवं 691 प्रभु कृपा दुख निवारण समागम के पहले दिन विभिन्न संस्थाओं के जुड़े लोगों ने लगाई हाजिरी। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।